ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब आप कहेंगे सर, सम तो हमने पढ़ लिया, जीपी भी हमने पढ़ लिया, सम भी हमने पढ़ लिया, अब ये इनफाइनाइट का क्या चक्कर है? देखिए बच्चों, हमारे पास जो जीपी की सीरीज होती है, कभी कभी तो वो ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक जाती है। जब वो रुक जाती है तो हम कहते हैं कि भाई ये तो रुक गया, और ये रुकने के बाद क्या होगा, हमारे पास सम जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू बना देगा। लेकिन अगर ये चलती रहेगी तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, इनके जब आप फ्रैक्शंस में आंसर निकालेंगे ना, तो ये किसी पॉइंट को टारगेट कर रहे होते हैं, मतलब किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो ये कब हो रहा होता है? जब आपके पास इस तरह के नंबर्स आ रहे होते हैं, ये फ्रैक्शन में अपने आप में एक कहानी बता रहे होते हैं जो हमें समझ में आ रहा होता है कि भाई 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 है, फिर ये क्या है, 0.25 है। इसी तरीके से इसको अगर मैं करूंगा तो ये मजीद पॉइंट्स में नंबर बढ़ते जाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट आगे की जानिब जा रहा होगा। तो ये जो है ना, ये हमारे पास कहलाता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम। अब बच्चा ये समझता है कि हम तो इन्फिनिटी पे जाके सम निकाले। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हम जो यहाँ पे काम करते हैं वो अप्रोच वाला काम करते हैं, मतलब वो ओरिजिनल वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, उसके बराबर नहीं होता। मतलब सम टू इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ? सम टू इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और सम अप्रोचेस टू लास्ट। मतलब सर भाई, एन भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है? इन्फिनिटी के पीछे भाग रहा है। जो चीज के पीछे भागोगे वो उतनी दूर जाएगी। तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है एन के पीछे भागते रहो। कब तक भागोगे? जब तक तुम्हारा सम नहीं आ जाता। और सम किसको, किसके पीछे भाग रहा है? लास्ट टर्म के पीछे। तो ये जो बेसिकली रिलेशन है ना, ये आपको ये बताने के लिए है कि एन डज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट के बहुत करीब है। मतलब आप एक बहुत बड़ी तादाद को निकाल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, या आप बहुत छोटी तादाद को निकाल रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये कहलाता है अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो है वो हमने फॉर्मूला पढ़ा सम का, ए 1 - r की पावर n / 1 - r। अगर मैं यहाँ पे n को इन्फिनिटी कर दूँ, एस इन्फिनिटी 1 - r की पावर इन्फिनिटी * a 1 - r। अब बच्चों, अगर ये r 1 से छोटा है, क्योंकि 1 से छोटा है, तो कभी भी 1 से छोटे नंबर पे आप इन्फिनिटी लगाओगे वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 1 - 0 है, ये a है, ये 1 - r है। तो s इन्फिनिटी की वैल्यू a/(1 - r) आ गई। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द सम टू इन्फाइनाइट टर्म्स। अब इसमें एक बात, इसमें बात यह है कि सर रेशियो तो 1 से छोटा है। बिल्कुल है, क्योंकि जब आप 1 से बड़े के लिए काम करेंगे ना, तो याद रखिएगा 3/2 की पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब ये तो खत्म कर देगा सबको, तबाह बर्बाद कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सम टू इन्फिनिटी निकालेंगे ना, तो वो रेशियो की एक लिमिट होगी। मतलब रेशियो आपका 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? ये अक्सर हम सवाल करते वक्त पूछते हैं, लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिलता। इसका जवाब ये है कि हम सम के फॉर्मूले में अगर आर की जगह 1 से बड़ा नंबर रख देंगे तो वो सम को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि रेशियो लेस देन 1 है, इट मीन्स ये कन्वर्जेंट जीपी है। कन्वर्जन डाइवर्जन दो तरह की जीपीज होती हैं। तो कन्वर्जन जीपी में हम सम टू इन्फिनिटी को निकाल रहे होते हैं। तो सम टू इन्फिनिटी में आपका जो रेशियो होगा वो -1 से 1 के दरमियान भाग रहा होगा, मतलब इसी के दरमियान में खेलेगा, इसके बाहर की बाउंड्री इसको सूट नहीं करेगी। तो ये सम टू इन्फिनिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हमने यहाँ पे ड्राइव किया है। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी का टॉपिक था, सम टू इन्फिनिटी का, जिसमें आपको ये समझाना था कि सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला आया कहाँ से और हम इसमें किस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सम टू इन्फिनिटी के सवालों को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर भी रहा, ठीक है, पूरे 1000 रुपए के लिए। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू हो गई 1/5 a1 की, ए टू की वैल्यू हो गई 1/25, r is a2 divided by a1, और हमने निकालना है सम टू इन्फिनिटी। अच्छा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये डॉट्स आगे की जानिब जा रहे हैं और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सम टू इन्फिनिटी है। तो ये बराबर होता है किसके, a/(1 - r) के। a1 कर लें या a कर लें, 1 - 1/5 हो गया।
फाइव वन ज़ा फाइव माइनस वन तो फोर अपॉन फाइव हो गया, वन बाय फोर इज द सम टू इन्फिनिटी। अगला सवाल है आपके पास, ए इज इक्वल टू बी बाय टू प्लस बी स्क्वायर बाय फोर बी क्यूब बाय एट, तो प्रूफ करें बी जो है वो टू ए अपॉन वन प्लस ए के बराबर है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो सीरीज है वो इस साइड पे सम टू इन्फिनिटी की जानिब जा रही है। तो हम क्या करेंगे, बी बाय टू प्लस बी स्क्वायर बाय फोर प्लस बी क्यूब बाय एट एंड सो ऑन। ए वन की वैल्यू हमारे पास बी बाय टू हो गई, ए टू की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर बाय फोर हो गई, तो आर हो जाएगा ए टू अपॉन ए वन। तो बी स्क्वायर बाय फोर बी बाय टू, इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये टू अपॉन बी हो जाएगा। तो नाउ इस तरफ हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए अपॉन वन माइनस आर का, यानी कि इस सीरीज में ए वन की जगह हमारा बी बाय टू आ जाएगा और आर की जगह वन माइनस बी बाय टू। तो बी बाय टू टू माइनस बी अपॉन टू, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, टू से टू क्या हो गया कैंसिल हो गया, हमें बनानी है बी के फॉर्म में एक्सप्रेशन। तो हम इधर डिवाइड हो रहा था, जाके मल्टीप्लाई होगा, टू ए माइनस ए बी इज इक्वल टू बी। तो बी के लिए हम बी वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे ताकि बी को कॉमन निकाला जा सके। यहाँ से बी कॉमन आ गया वन प्लस ए, तो बी की वैल्यू आ गई टू ए अपॉन वन प्लस ए। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन गिवन है। अगला सवाल है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, इफ द सम ऑफ इट्स टू टर्म फर्स्ट टू टर्म इज फोर इंटू हाफ फाइंड द सीरीज। तो बच्चों देखें, सबसे पहले ना हम इस जुमले को टारगेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो टर्म्स का जो सम है शुरू के वो क्या है फोर इंटू हाफ दिया हुआ है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि लेट ए ए आर ए आर स्क्वायर बी द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अच्छा, अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि पहली दो टर्म्स, इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म इज फोर इंटू हाफ, तो ए प्लस ए आर फोर इंटू हाफ हो गया, ए को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो वन प्लस आर, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, टू फोर ज़ा एट, एट प्लस वन नाइन बाई टू। तो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो नाइन अपॉन टू इंटू वन प्लस आर आ जाएगी। नाउ वो कह रहे हैं कि इस सीरीज का अगर हम स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा, यानी कि a जो है वो a स्क्वायर हो जाएगा और r जो है a स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेशो आ गया r स्क्वायर के बराबर। अब वो क्या कह रहा था, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। अब देखें, सम जो होता है ना इन्फिनिटी का वो होता है a अपॉन वन माइनस आर, ये तो सम हो गया नॉर्मल जो सीरीज हमने यहाँ पे लिखी है। तो अब अगर इसको मैं एक तरफ रखूं a अपॉन वन माइनस आर को, और उसने क्या कहा है कि हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, मतलब अगर इसकी टर्म्स का स्क्वायर कर दें, तो उस सूरत में चेंज क्या आता है, a की जगह a स्क्वायर हो जाता है और r की जगह r स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे a था वहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे r था वहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा। तो a अपॉन वन माइनस आर वन अपॉन टू ए स्क्वायर, अच्छा इस पे स्क्वायर अगर हम लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वह ए अपॉन वन माइनस आर वन अपॉन टू ए स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा वन माइनस आर वन प्लस आर, ए से कैंसिल हो गया, वन माइनस आर से वन माइनस आर भी कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया वन प्लस आर इज इक्वल टू टू ए। अभी भी यहां पे ए के जिंदा होने के इम्कान मौजूद है, तो हम ए की वैल्यू को यहां पर पुट करा देंगे, वन प्लस आर इज इक्वल टू टू ए, और 2a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू थी 9 अपॉन टू वन प्लस आर। बच्चों मुबारक हो, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया
और 1 प्लस आर उधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आर स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1 इक्वल टू 9, आर स्क्वायर प्लस 2R माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर बना ले, 8 वन जा 8, प्लस का 4R माइनस का 2R माइनस 8 इक्वल टू 0। आर विल बी कॉमन, आर प्लस 4 माइनस 2 विल बी कॉमन, तो आर प्लस 8, आर प्लस 4, तो आर माइनस 2 आर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आर माइनस 2 बराबर 0, आर की वैल्यू 2 आ गई। आर प्लस 4 बराबर 0, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 4 आ गई। अब हमें पता है कि जो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि सीरीज हमें मालूम करनी है। तो मतलब हमें ए पता होना चाहिए, ए आर पता होना चाहिए और ए आर स्क्वायर पता होना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग हाफ द पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज ऑब्टेन्ड। वी फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इक्विलेटरल ट्रायंगल इन दिस मैनर विद द ओरिजिनल ट्रायंगल हैविंग पैरामीटर 5/2। व्हाट विल बी द टोटल पैरामीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स फॉर्म इन दिस वे। देखें, वो कहना ये चाह रहा है, इतनी सारी अंग्रेजी आपने पढ़ी, अंग्रेजी में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये बोल क्या रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइडें बराबर, एक और ट्रायंगल बनेगा, फिर ज्वाइन करेंगे तो फिर एक और ट्रायंगल बनेगा। तो मतलब इसी तरीके से हमारे पास ये ट्रायंगल बनते चले जाएंगे और जब ये ट्रायंगल बनेगा तो जो हैविंग हाफ द पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, मतलब हर दफा ये हाफ होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द ट्रायंगल पैरामीटर आर इन जीपी, क्योंकि एक कांस्टेंट रेशियो से ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहला ट्रायंगल था 5/2, तो दूसरा क्या होगा, हाफ से, हाफ होने के बाद क्या हो जाएगा 5/4, फिर क्या हो जाएगा 5/8, एंड इसी तरह ये मामला चलता रहेगा। और कब तक चलेगा, जब तक सम टू इन्फिनिटी ना आ जाए। तो ए की वैल्यू 5/2 हो गई, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 upon a1 कर लेते हैं इसको, a2 हमारा हो गया 5/4। अब यहां पे a2 upon a1 के लिए जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 upon 4 और 5/2, तो 5/4 multiplied by 2/5, r की वैल्यू हाफ आ गई। सम निकालना है हमने, सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r, a की जगह 5/2, r की जगह हाफ, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2 और 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ, 5/2 × 2/1, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट से ज्वाइन करते जाएं, ट्रायंगल बनता जाएगा, उन तमाम ट्रायंगल का पैरामीटर हमें मालूम करना था, जो भी ओरिजिनल पैरामीटर था उससे हाफ होकर ये क्या होगा, ये काम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर्स का इख्तिताम होता है कि भाई सीरीज वाले सवाल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, पहले हमने थ्योरी पढ़ी फिर हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीज़ों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो, जल्दी करो और छा जाओ।